1313 में लिया था, 1313 रुपए में लिया था, और क्वांटिटी थी 90 शेयर्स। ओलिप्टा ग्रीन टेक का पुणे से कोई कनेक्शन है क्या? बसेस दिखती है हर नहीं, वो तो जगह। हमारे मुंबई में भी है। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ कनेक्शन बैठ गया से। ये लॉन्ग टर्म ले लिया था मैम या चल रहा था ट्रेडिंग में ले घुस गए थे? बीच में थोड़ा रैली बहुत चला था इसका जून जुलाई में, तो मोमेंटम तो लेकर उतरे थे अपन, है ना? लेकिन शायद उसके बाद वो थोड़ा अभी उसके बाद हाँ हिंदी में चल रहा है हाँ तो। रेट तो तगड़ा हुआ, लेकिन शमिला मोमेंटम में घुसे थे, हमारे घुसने के बाद ही तो 100 रुपये नीचे चल रहा है, क्या करूं? अब मेरे साथ बदल रह सकते हैं, क्योंकि ये जो इनकी स्टोरी है वो मुझे काफी पसंद है, क्योंकि वंस अगेन आई थिंक कि जहां तक इलेक्ट्रिक बसेस की बात है, और उन्होंने और भी कुछ ग्रीन फील्ड ईवी में भी उनकी सब्सिडियरी काम कर रही है, उनको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से भी काफी ऑर्डर मिले हैं इलेक्ट्रिक बसेस के। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी मुझे लगता है कि जो मास ट्रांसपोर्ट वाला सेगमेंट है, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, मुझे लगता है कि पहला जो अच्छा बाइंग, और अगर इसमें हम बढ़त देखें ईवी स्पेस में, तो यू नो इन टर्म्स ऑफ क्लीन एयर, वो सब में ज्यादा अपने को उस सब चीज का फायदा हो सकता है। एंड आई थिंक दैट्स द वे द गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग, कि आपको क्लीनर एनर्जी फ्यूल, अच्छी आपकी हवा अच्छी बननी चाहिए, इस सब पर काफी फोकस है गवर्नमेंट का भी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आप अगर लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टेड रहे तो आपको 1400 के रेट देखने मिल सकते। भाई टीटागढ़ भी होल्ड था आपके लिए, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी होल्ड है, फंडामेंटली दोनों ही पसंद आ रहे हैं शर्मिला को। हाँ हाथ उठा लो, क्या हो गया? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और मैंने एनर्जी मैनेजर